शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया अपना संडे बिंज वीडियो। कार में बैठे वड़ा पाव खाती दिखी शिल्पा शेट्टी, देखे वीडियो। काजल अग्रवाल और गौतम किचलू शादी के बाद अपना हनीमून पीरियड मालदीव्स में बिता रहे हैं और इनकी तस्वीरें भी हाल ही में हुई वायरल। तस्वीरों में दोनों ही बेहद प्यारे लग रहे हैं। डालें एक नज़र। प्रेग्नेंट करीना कपूर खान ने एक तस्वीर शेयर कर कजन नताशा नंदा को किया बर्थडे विश। इस तस्वीर में करीना का प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं आज मलाइका अरोरा के बेटे अरहान खान का भी बर्थडे है। इस मौके पर करीना ने तैमूर का अरहान संग एक तस्वीर शेयर कर किया बर्थडे विश। इसमें तैमूर बेहद ही क्यूट लग रहे हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में अब शाहरुख खान भी आएंगे नजर। दुबई जाने से पहले शाहरुख ने दिल्ली में आमिर के साथ फिल्म के लिए एक शूट किया। मुंबई मिरर की एक खबर के मुताबिक सेट पर आमिर और शाहरुख ने जमकर मस्ती की। कमाल की बात यह है कि फिल्म में शाहरुख के सभी सीन्स को खुद आमिर खान ने डायरेक्ट किया है, यानी कि अब डबल धमाका होने वाला है। करीना कपूर को हाल ही में किया गया था स्पॉट, लेकिन वहां मौजूद मीडिया वालों पर भड़क गई करीना। उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम पर भी आप लोग ऐसे फोटो के लिए खड़े रहते हैं, देखे वीडियो। अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने मारा छापा, एक्टर के ड्राइवर को किया अरेस्ट। अब उनसे ड्रग मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे एक दिन पहले ही रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर पर भी छापा मारा था। इस छापे में एनसीबी को कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिली और इस कारण उनकी पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार किया गया। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया है। एक ट्रोलर ने ट्विंकल खन्ना की एक तस्वीर शेयर कर ट्विंकल बॉम्ब लिखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा, जब मैं timesofindia.com के कॉलम के लिए फोटो ढूंढ रही थी तब मेरी इस पर नजर गई। एक शख्स ने मुझे इस फोटो में टैग करते हुए तीसरे दर्जे की इंसान लिखा, तुम भगवान का मजाक उड़ाती हो। मैंने जवाब दिया कि भगवान स्पष्ट रूप से अच्छा मजाक पसंद करते हैं, वरना वो आपको नहीं बनाते। लेट एक्टर ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुई ऋतिक रोशन की माँ पिंकी रोशन। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा प्यारा नोट। पहली तस्वीर में ऋषि कपूर और राकेश रोशन को बातचीत करते देख सकते हैं। पिंकी ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, फ्रेंड्स एट वर्क #WeMissYou भैया। दूसरी तस्वीर पोस्ट करते हुए पिंकी रोशन ने लिखा, मैं उनके साथ स्क्रीन स्पेस में तो नहीं हूँ, लेकिन ये दोस्ती हमेशा के लिए है। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर नीतू ने लिखा, खूबसूरत यादें। कटरीना कैफ ने एक बेहद ही खूबसूरत पोस्ट को किया शेयर। इस पोस्ट में वो बीच में नजर आ रही है और कलरफुल आउटफिट में दिख रही है। इसे शेयर करते हुए कटरीना ने लिखा, सो अमेजिंग टू बी इन मालदीव्स फॉर शूट #LoveMyJob #Grateful। इस तस्वीर को देख आलिया भट्ट ने कटरीना को ब्यूटी कहा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार ऑफ फिल्म ओम शांति ओम के रिलीज को आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दीपिका ने एज अ ट्रिब्यूट अपने ट्विटर अकाउंट पर नाम बदलकर शांति प्रिया रख दिया है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने नाम शांति प्रिया रख दिया है। बता दें, दीपिका ने इसी फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था।